a body of mass 5 kg, m is equal to 5 kg, is acted upon by two perpendicular forces. F1 दिया हुआ है 8 न्यूटन और F2, देखो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसलिए डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा, 6 न्यूटन. इट इज गिवन दैट F1 अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखे तो F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये फाइंड करना है. और कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं डायरेक्शन के जैसा, इसलिए यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट लेट F1 जो है इज एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन. F1 इज एक्टिंग अलोंग प्लस x डायरेक्शन. अगर प्लस x डायरेक्शन में लग रहा है तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 विल बी 8i कैरेट न्यूटन. समझ में आ रहा है, दिस इज F1. वैसे ही F2 जो है वो मान लेते हैं y डायरेक्शन में, F2 इज एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन. F2 इज एक्टिंग अलोंग प्लस y डायरेक्शन. अगर प्लस y डायरेक्शन में लग रहा है तो वी कैन राइट F2 इज इक्वल टू 6j कैरेट न्यूटन. यहां तक समझ में आ गया सभी को, या फिर से बताऊं, फोर्स जो है F1 हम लोगों ने मान लिया x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बोलते हैं i कैरेट, y डायरेक्शन में बोलते हैं j कैरेट. अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना, एक्चुअली हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन से पहले हमको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा. तो चलो मैं फोर्स फाइंड करता हूँ. एफ का इक्वेशन क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी मैग्नीट्यूड, ये ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ n प्लस F2 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. कैसे हुआ देखो, पहले थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, थ्योरेटिकली करते हैं, ये बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, इट इज F1 प्लस F2 इज रिजल्टेंट फोर्स. तो F की वैल्यू क्या होगी, F1 यानी 8i कैरेट प्लस F2 यानी 6j कैरेट, ये हो गया फोर्स. अब देखते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा F का मैग्नीट्यूड. याद करो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2e में कराया होगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट विल गिव रूट ऑफ 64 प्लस 36 दैट विल गिव रूट ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ये रहा रिजल्टेंट फोर्स, बट ये फाइंड नहीं करना हमको, तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन. याद रखना वी आर फाइंडिंग आउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू मा, देयरफॉर A विल बी F बाय M, यानी फोर्स है 10 और मास 5, एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये अपना आंसर है, ओके. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखते हैं एंगल, ठीक है, विच डायरेक्शन विल द फोर्स एट. डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे डब्बा बना रहा हूं, याद रखना ये जो डब्बा है दैट इज ओनली फॉर डायरेक्शन, ये वाला. यहाँ पे मैं डायरेक्शन फाइंड करके बताता हूँ, डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, 10 थीटा या फिर थीटा इज इक्वल टू, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर में ऐसा था थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ
ए वाई बाई ए एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ वाई बाय एफ एक्स, यानी टेन इनवर्स ऑफ एफ वाई इज सिक्स और यहाँ पे आएगा एट, सिक्स बाय एट का वैल्यू होगा थ्री बाय फोर, यानी हो जाएगा 0.75, यू कैन ऐड 10 इनवर्स ऑफ 0.75, और ये 10 इनवर्स ऑफ 0.75 नेचुरल टेंजेंट के टेबल से देखें तो आंसर मिलेगा 36 डिग्री, यानी अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 37, 36 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, 37 बोल सकते हैं, तो 37 डिग्री विल बी अवर आंसर। अब ये कैसे आया वो मैं आपको नेचुरल टेंजेंट के टेबल में जाके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो,